आज हम पढ़ेंगे कक्षा दो में विषय हिंदी पाठ आठ छुट्टी का आनंद। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पढ़ो। आज छुट्टी का दिन है। रोहन अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलने गया। उसकी बहन स्मिता भी साथ गई। बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हैं। सभी दोस्त मिलकर लुका छिपी खेलने लगे। अचानक दौड़ते समय स्मिता का पैर फिसल गया। वह गिर पड़ी। उसके पैर में चोट लग गई। खून निकलने लगा। रोहन और उसके दोस्त स्मिता को घर छोड़ने आए। माँ उसे अस्पताल ले गई। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। आपके घर से अस्पताल पहुँचने तक बीच में क्या क्या आता है, तो वो सभी के नाम लिखने रहेंगे। साइकिल, बाइक, गाड़ी, ठीक है, वाहन, सॉरी, बाहर जाने के लिए किन किन वाहनों का उपयोग करते हैं, तो गाड़ी, बाइक, साइकिल, ठीक है, अपनी पसंद के किन्हीं तीन वाहनों के नाम लिखने रहेंगे, जैसे कि गाड़ी, कार, साइकिल। फिर देखिए यहाँ पर पहले दी रखी है दो पहिए हों ऐसी, मतलब साइकिल, गाड़ी, बाइक, ठीक है, तीन पहिए हों तो रिक्शा, टेम्पा, बैलगाड़ी, चार पहिए हों तो कार, जीप, मारुति, ठीक है, इस तरह से नाम लिख देना है वाहनों के। फिर देखिए यहाँ लिखा है पढ़ो। अम्मा खेत से घर लौट रही थी। उन्हें गली के किनारे से कुकू की आवाज़ सुनाई दी। अम्मा आगे बढ़ी। कोने में कुछ पत्ते पड़े थे। अम्मा ने छड़ी से पत्ते हटाए। वहाँ एक काला पिल्ला ठंड से ठिठुर रहा था। अम्मा ने उसे उठाया और घर लेकर आई। पिल्ले के पैर में जख्म था। अम्मा उसे दवा खाने ले गई। कुछ दिन में पिल्ला अच्छा हो गया। अम्मा ने उसका नाम शेरू रख दिया। हम सब उसके साथ खेलते हैं। देखिए ये अस्पताल का चित्र दे रखा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो। कपड़े धोना, तो मैं घर में कपड़े धोती हूँ। पानी भरना, मैं घर में पानी भरती हूँ। बर्तन मांजना, तो मैं घर में बर्तन मांजती हूँ, ठीक है। झाड़ू लगाना, मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ। बिस्तर लगाना, मैं घर में बिस्तर लगाती हूँ। खिलौने से खेलना, मैं घर में खिलौने से खेलती हूँ। इसी तरह से वाक्य बना करके सब में लिखना रहेगा, ठीक है, कॉपी में भी लिखना है। फिर देखिए यहाँ क्या दे रखा है। चुनकर लिखो कि कौन धरती पर चलता है और कौन आसमान में उड़ता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, धरती पर चलने वाला और आसमान पर उड़ने वाला। तो धरती पर चलने वाला कौन है, आदमी, मोटरसाइकिल, गाय, ट्रेन, बस, ठीक है। आसमान में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर, पतंग, चील, गौरैया, ठीक है, इस तरह से नाम लिख देना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर एक में जो हमने अभी वहाँ पे पढ़ा है उसके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उसके उत्तर देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, पहला, रोहन की बहन का नाम क्या था, तो रोहन की बहन का नाम स्मिता था, ठीक है, स्मिता है। दूसरे नंबर पर देखिए, रोहन अपने दोस्तों के साथ कहाँ खेलने गया, तो बगीचे में खेलने गया। तीसरे नंबर पर देखिए, सभी दोस्त मिलकर क्या खेलने लगे, तो लुका छुपी का खेल खेलने लगे थे, ठीक है। माँ स्मिता को कहाँ ले गई, तो माँ स्मिता को अस्पताल ले गई। फिर क्वेश्चन नंबर चार में देखिए, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। मेरे पिताजी चिकित्सक हैं, वे अस्पताल जाते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी खाली जगह हैं, वे खेत में जाते हैं, तो किसान। मेरे भैया खाली जगह हैं, वे पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो डाकिया। रफीका की माँ परिचारिका है, वे खाली जगह जाती हैं, तो चिकित्सा, ठीक है। रमा के पिताजी खाली जगह हैं, वे विद्यालय जाते हैं, तो शिक्षक। फिर आगे देखिए, प्रीति का भाई पुजारी है, वह खाली जगह जाता है, तो मंदिर। मैं छात्र हूँ, मैं खाली जगह जाता हूँ, तो स्कूल। मैं खाली जगह बनूँगा, मैं खाली जगह जाऊँगा, तो डॉक्टर और अस्पताल। महेश भाई खाली जगह हैं, वे दुकान पर जाते हैं, तो व्यापारी। क्वेश्चन नंबर पाँच में देखिए, पहला क्या दे रखा है, अम्मा कहाँ से घर लौट रही थी, तो अम्मा खेत से घर लौट रही थी। फिर दूसरे नंबर देखिए, अम्मा को गली के किनारे किसकी आवाज़ सुनाई दी, तो अम्मा को गली के किनारे किसकी आवाज़ सुनाई दी थी, तो कुकू की आवाज़ सुनाई दी थी। अम्मा ने कौन सी चीज़ें से पत्ते हटाए, तो अम्मा ने छड़ी से पत्ते हटाए थे, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर देखिए, पिल्ला कौन से रंग का था, तो पिल्ला काले रंग का था। पिल्ले को कहाँ जख्म लगी थी, तो पिल्ले को पैर पर जख्म लगी थी। फिर छठे नंबर पे देखिए, अम्मा पिल्ले को कहाँ ले गई, तो अम्मा पिल्ले को अस्पताल ले गई थी, ठीक है। सातवें नंबर पे देखिए, अम्मा ने उसका नाम क्या रख दिया, तो अम्मा ने उसका नाम शेरू रख दिया था।
ठीक है।